से सुनने जा रहे हैं पीपल हु हेल्प अस। तो ये बताओ हमारे शूज कौन सिलता है? कॉबलर। कॉबलर की स्पेलिंग फिर सुना दो। डबल पी एल या कॉबलर। ठीक है। हमारी ये बताओ मोटरसाइकिल खराब हो जाती कौन बनाता है? मशीन। मशीन बनाती है। मैकेनिक। कौन बनाता है? मैकेनिक की स्पेलिंग सुना। मैकेनिक। एम ई सी एच ए एन आई सी। ये नहीं याद है। हमारे लिए फसल कौन उगाता है? फार्मर की स्पेलिंग। हमारे कपड़े कौन सिलता है? टेलर की स्पेलिंग। वन सेकेंड। टेलर गलत है। टेलर नहीं है। कौन है भरम मजी रही हो कि हमको सब याद है? अच्छा हमारे बाल कौन खच 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 काटता है? बार्बर। हमारा इलाज कौन करता है? सुई कौन लगाता है जम जाते हैं? डॉक्टर की स्पेलिंग। डॉक्टर है। गलत है। डॉक्टर DOCTOR सही तो है। हमने मारा क्यों? तो फिर से जाओ टेलर की और मैकेनिक की याद करके आओ। ठीक है। और ये नहीं याद करना है हिंदू पूजा करने कहाँ जाते हैं? टेंपल में। मुस्लिम पूजा करने कहाँ जाते हैं? नमाज पढ़ने। कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू। सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा। क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? चर्च पढ़े। चलो भागो आओ। बताओ जिज्जा इनकी दुल्हन जो है हमारी दीदी है इसलिए हमारे जिज्जा लगे। लीनियर मोशन। LINEAR MOTION जिज्जा जी की बढ़िया पढ़ने में ठीक है। सर्कुलर मोशन। CIRCULAR MOTION गलत लिखे हो। CU है। सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति। रोटेटरी मोशन। घूर्णन गति। ऑसिलेटरी मोशन। ऑस्की नहीं होता है ऑसी होगा। ऑसिलेटरी मोशन में दोलन गति। वाइब्रेटरी मोशन। VIBRATOR हाँ। कंपन गति। पीरियोडिक मोशन। PERIODIC आवर्ती गति। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन। UNIFORM यूनिफॉर्म। MOTION यूनिफॉर्म मोशन में एक 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 समांतर एक समान गति। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। NON UNIFORM नॉन यूनिफॉर्म। MOTION नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक समान गति। असमान गति। चलो भागो लाओ। उस दिन भी तुम यही सुनाए थे। लीनियर। LINEAR MOTION वन टू करो। दीदी अपनी कॉपी दे दो इनको। वन टू वाली कॉपी जिसमें किया था आपने जिसमें वन टू लिखी थी अभी। 1 2 3 4 चलो चक्कर नहीं। सर्कुलर मोशन। CIRCULAR सर्कुलर। MOTION हाँ। सर्कुलर मोशन में वृत्तीय। तेज याद करो अलग हो जाओ जी। रोटेटरी मोशन। ROTATORY MOTION वृत्तीय मोशन में घूर्णन गति। ठीक है। ओरल टेटरी। ओरल टेटरी OS है क्या? अच्छा ऑसिलेटरी। OSOLA गलत है। OSCI ये गलत है। फिर OSOSCILATORY ये स्पेलिंग मिस्टेक है उससे मिला के ला पहले। वाइब्रेटरी। VIBABR हमको सुनावा। ROTATORY MOTION पीरियोडिक मोशन। कंचन गति। PER कंचन गति कहाँ है? घूर्णन के बाद क्या है? घूर्णन गति। वाइब्रेटरी में क्या है? वाइब्रेटरी हाँ।
कंपन को इन्होंने कंचन लिखा है। वही हम कहे कंपन कंचन कहाँ से हो गई दादा, कंपन गति होता है। अरे भैया कंचन गति लिख दिए हैं, कंचन वो हमारी पड़ोसी ने कहेंगे हमको वाइब्रेटर ही बना दिए हो। पीरियोडिक मोशन PERIODICMOTIO यूनिफॉर्म मोशन UNIFORMMOTIO नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति बतलाए रहो NONUNIFORMMOTION नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस एक समान गति एक समान होगा नहीं असमान गति। तो ये स्पेलिंग सही करो चल के जो ऑसिलेटरी में आओ तुम आओ जिज्जा जी, वही दुल्हन भी हमारी बहन है इसलिए तुम भी हमारे जिज्जा जी हुए। चलो सुनो पक्षी आकाश शाम से आकाश में उड़ रहे होंगे बर्ड्स विल हैव बीन फ्लाइंग इन स्काई सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग इन द स्काई। हाँ सही तो है। वह लड़की एक घंटे से पत्र लिख रही होगी दैट गर्ल विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। दैट गर्ल जब किसी नाम के साथ यह वह जुड़ा हो, लड़की नाम है लड़की के साथ वह जुड़ा है कि नहीं तो वहाँ पर सी और ही नहीं करेंगे दैट, ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह डिमॉन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है। मेरा भाई 15 मिनट से नहा रहा होगा माई ब्रदर विल हैव बीन बाथिंग फॉर 15 मिनट। और ये परसों तो करवाए गए थे ये फिर किए हो। अच्छा मिलाओ मैं 2 घंटे तक तुम्हें पढ़ाता रहूँगा आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। बच्चे 3 घंटे से हंस रहे होंगे चिल्ड्रन विल हैव बीन लाफिंग फॉर 3 आवर्स। तुम सुबह से उसका इंतजार कर रहे होगे यू विल हैव बीन वेटिंग हिम सिंस मॉर्निंग। यू विल हैव बीन वेटिंग हिम WAITING सिंस मॉर्निंग। वे 2 वर्षे से इनाम जीत रहे होंगे अनुवाद तो दे विल हैव बीन विनिंग प्राइस फॉर 2 ईयर्स। चलो मैं 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। वह जनवरी से मुझे पढ़ा रही होगी तो क्या हो जाएगा सी विल हैव बीन टीचिंग मी सिंस जनवरी। मी होगा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लगता है जो पढ़ाए हैं कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो फिर फॉर क्यों लिखे हो जब मॉर्निंग है। जनवरी के साथ क्या लगाएंगे नाम है जनवरी। वह उसे 2 वर्षों तक सिखा रही होगी तो सी विल हैव बीन सिखाना लर्निंग और उसे का क्या हो जाएगा हिम लर्निंग हिम और 2 वर्ष। अब वर्ष गिने जाते हैं 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इसलिए क्या होगा फॉर 2 ईयर्स। दीदी यहाँ पे टीचिंग टीचिंग भी होता है लर्निंग भी होता है। शैल क्यों लिखे हो आई वी के साथ केवल शैल बाकी सबके साथ के और कौन से किए थे तुम लोगों ने आ मिलावा के अनुवाद। चलो क्या आप 6 बजे से टीवी देख रहे होंगे तो जो हो जाएगा विल यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। हाँ वॉचिंग होगा टीवी भी देखना को वॉचिंग करते हैं WATCHING वॉचिंग हाँ पूरा करो 100 तक हो गया। क्या लाइट 2 घंटे से जल रही होगी विल लाइट हैव बीन ठीक है जलना बर्निंग फॉर 2 आवर्स BURNING ठीक है।
अध्यापक 1 बजे से उठ से पढ़ा क्या पढ़ा रहे होंगे? वॉट विल टीचर हैव बीन टीचिंग, ठीक है, हिम सिंस 1 o'clock. क्या कुत्ता रात से भौंक रहा होगा? तो जाएगा विल डॉग हैव बीन बार्किंग सिंस नाइट. यह तो क्या तीनों लोगों को देखते रहो एक दूसरे को. पहाड़ा ही आ जाए तो पहाड़ा रिवीजन कर लो, बैठी रहो. पेपर तुम्हारा हमारा थोड़ी है, नंबर कटेंगे तुम्हारे हमारे थोड़ी कटेंगे. हम इतना ही कह सकते, याद करो सुनाओ, याद करो सुनाओ, बाकी बैठी रहो मजे करो. है क्या रीता 10 मिनट से चाय बना रही होगी? तो जाएगा विल रीता हैव बीन कुकिंग टी फॉर 10 मिनट्स. क्या तुम 5 घंटे से उनका वैष्णवी का 1 2 कराओ चल के. क्या तुम 5 घंटे से सफाई कर रही होगी? तो विल यू हैव बीन क्लीनिंग फॉर 5 घंटा 5 आवर्स. और क्या, मैं 2 दिन से कहाँ रह रहा होऊंगा? वेयर सेल आई हैव बीन, ठीक है, लिविंग फॉर 2 डेज. वह लड़की 2 घंटे से क्या कर रही होगी? वॉट विल सी दैट गर्ल. अब आप वह लड़की है तो डिमॉन्स्ट्रेशन का काम हो रहा है तो दैट गर्ल लिखेंगे. तो वॉट विल दैट गर्ल हैव बीन डूइंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स. हो गया. वे सुबह से क्या खेल रहे होंगे? तो वॉट विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. घंटे से क्यों जागता रहा होगा? तो why will he हैव बीन, ठीक है, अवेकिंग, ठीक है, फॉर 4 आवर्स. क्या मैं 2 घंटे से यात्रा कर रहा हूँगा? तो शैल आई हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 10 ही क्या था. चलो ठीक है, आगे नोट कर लो, ठीक है. आज से वैष्णवी भी याद करने लगेंगी. एप्पल की स्पेलिंग याद करो, बॉल की, कैट की, डॉग की. चलो सुनाओ. टमाटो ठीक है, मारने मानेंगे नहीं तो याद नहीं हो. ब्रिंजल की याद करके आप, BRINJAL जल्दी जल्दी याद करके आओ. माही आते जाओ, खाना जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, लाइन लगा के जल्दी आओ, जल्दी से बनाना. हाँ बनाना है. गुआवा की याद करके आओ, फटाक से जल्दी से लाइन लगा के, ठीक है. क्या हो जाता है? पोटैटो कहीं हो जाता है. हाँ ब्रिंजल की याद करके आओ, BRINJAL सुनाओ. ब्रिंजल टमाटो सुनाओ. टमाटो याद हो, ब्रिंजल याद करके आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सुनाओ. टमाटो ब्रिंजल याद करके आओ, सुनाओ. ओनियन ब्रिंजल, ब्रिंजल याद हो गया था. ओनियन गार्लिक याद करके आओ. आओ और कौन बच्चा, आओ तुम, चलो आयुष लिखो जल्दी. भैया परेशान न करो. सुना क्या सुनना है? Who is lost in the park? Small. समझा दे रहे हैं. A small kitten is lost in the park. ठीक है, एक छोटा सा kitten था, ठीक है, और वो खो गया था कहाँ पर? पार्क में. बस. Why is Ramu crying? Ramu क्यों रो रहा था? Because he lost his ball. क्योंकि उसने अपना बॉल खो दिया था. आ गया. What does the gardener say? ये वाला भी लंडन. ठीक है. What does the gardener say to the children?
तो वो जो गार्डनर होता है जिसको बोलते हैं माली, उसने बच्चों से क्या बोला, ही सेज लॉक्स द, ये क्या लिखी स्पेलिंग, लुक्स द गेट एंड सेज गुड नाइट, ही सेज लुक्स द, गलत लिखा है मैम, तुम्हारी चेक भी कर देती हैं। रिश्तेदार की इंग्लिश रिलेटिव्स आर ई एल ए टी आई वी ई एस, ही सेज लुक द गेट एंड सेज गुड नाइट, चलो यही याद करो, हमको क्या करना है, गेट लिखा है, सुना स्मॉल किटन किटन इज लॉस्ट इन द पार्क, ठीक है भाई, इज रामू क्राइंग बिकॉज नहीं होता बिकॉज हाँ इन बिकॉज ही लिली छोटे बच्चों हैज इन ही हैज इन पिन बता रही है, चल याद कर क्या कायदे से, चलो आओ 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 लाइन से आओ, ब्रिंजल BRINJAL ठीक है, ओनियन क्या याद करके आओ, ONION ब्रिंजल INJAL वेरी गुड, ओनियन क्या याद करके आओ, आ जाओ आते जाओ आते आओ आते जाओ आते आओ आओ जल्दी आओ, कहना कहने के बाद सेजल है सेजल भाई अर्पी अर्पी भाई माही फिर दिया सुना गुआवा ठीक है, ऑरेंज की याद करके आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सुनाओ गार्लिक GAR पता नहीं क्या करा करती बैठे, इतनी सरल स्पेलिंग नहीं याद हो रही, प्रिंजल सुना ब्रिंजल ठीक है, ओनियन क्या करके आओ, ONION सुना वेरी गुड, गार्लिक GARLIC कलर लिखे बैठे हैं, चलो ऑटो भागो, चलो याद हो गया रिद्धि, ओनियन सुना ओके ONION क्या हो जाता है, ओनियन गार्लिक की याद करके आओ GARLIC चलो क्या होता है, जैसे लिखा हुआ तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे, मतलब तुम जा चुके होगे तब वो आएगा, समझ में आई बात कि नहीं, दो काम हो रहे कि नहीं, दो बातें हो रही कि नहीं, तुम आओगे तब तक वो जा चुका होगा, यानी तुम जब तक जा चुके होगे तब वो आ जाएगा, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जिसके बारे में बात हो रही है, तुम जा चुके होगे, तो तुम जा चुके होगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, और जब कभी भी फ्यूचर की बात हो ठीक है, तो पहला वाला पार्ट फ्यूचर में बनता है और बाद वाला पार्ट प्रेजेंट में बनता है, किस में बनता है, प्रेजेंट में, तो फ्यूचर परफेक्ट है तो परफेक्ट का तो जानते ही हो, विल है शैल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमको पता ही है यस या ईएस लगाना होता है साधारण में, एक वचन है तो यस या ईएस माही, अब बहुवचन है तो वो भी नहीं, अब क्या लिखा है, तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे तो तुम जा चुके, पढ़ाया करे तो बीच में मत टोका कर उठा के पटक देंगे, पढ़ चली 70 बार बता चुके हैं, 2 घंटे ट्यूशन में 50 बार इनको सुसु जाना है, 50 बार पानी पीने जाना है, और पढ़ना कब है, पढ़ चली, तो क्या लिखा हुआ है, यू विल हैव क्या जा चुके होगे, गो वेंट गॉन, अब बचा क्या, उसके आने से पहले, उसके आने से पहले, अब इस पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, बिफोर,
क्या लिखेंगे? बिफोर, उसके आने से। अब हमको पता है उसके आने को हमको काय में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब हमको भी लिखना इधर वही भी बिफोर के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट करना। सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? पहले सब्जेक्ट तब वर्ब। सब्जेक्ट हमारा ही है और वर्ब हमारा है कम। हमको पता है ही क्या होता है? सिंगुलर, इसीलिए इसमें क्या जोड़ेंगे? एस। ही कम्स आ गया। अगर प्लूरल होता तो हो जाता दे कम या यू कम आई कम। आ गया कि नहीं आ गया? और प्लूरल होगा तो केवल कम वम लिखेंगे, पहले नाम और काम लिखेंगे, और सिंगुलर है तो नाम के साथ साथ काम में यस या ई एस जोड़ देंगे। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, एक बार फिर से करे हो तो एक बार चेक कर लो, किए हो सारा वैसे ही जैसे दिया हुआ है। चलो मिलाओ फिर, सभी बच्चे अपना वर्क मिलाए के आओ। हाँ मिलाओ आके, एच डब्ल्यू वाला है ना, यही किए हो? चलो चल जाओ, जाओ तुम लोग जाओ, तब तक इनका मिलवा दें यही वाला। बैठो, सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। हाँ क्या तुम याद नहीं कर रही थी? और तुम लोग भी पहले याद किया करो स्कूल का, रोज स्कूल में साइंस याद करो, हमसे पढ़ लो। ठीक है, साइंस याद करो, इंग्लिश याद करो, कोई चीज छूटे ना। मैथ में देखो क्या क्या है याद करने वाला, परिभाषाएं सब याद करो। चलो क्या लिखा है? तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स। स्कूल जाने से पूर्व मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा। किसके बारे में बात हो रही? मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर बिफोर गोज टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, पहली बात, स्कूल जाने से पहले किसकी बात हो रही है? मेरी तो बात हो रही है, तो मैं अपने लिए क्या लिखूंगी? कम से लिखूंगी कि कम लिखूंगी? सॉरी, हाँ जाने से, जाने का क्या लिखूंगी? गो, गोज नहीं लिखूंगी। इसमें थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही, किसके बारे में बात हो रही है? अब खुद के बारे में, कि स्कूल जाने से पूर्व मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर गो टू स्कूल होगा, गोज टू नहीं होगा, क्योंकि ये काम भी किसका है? मेरा ही है। आया कि नहीं आया? अब गाड़ी खुलने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव, ठीक है, रीच्ड स्टेशन बिफोर गाड़ी खुलना, खुलना ओपन द क्या हो जाएगा? ट्रेन। ठीक है, और गाड़ी एक ही है, ओपन द ट्रेन। बताओ समझ में आए? कहाँ तक है? हाँ वह शाम तक अपने घर पहुँच चुका होगा, तक वाले में क्या लगाना है? बाई। अभी वहाँ पहुँचे कहाँ है? वह शाम तक अपने घर पहुँच चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? वह घर पहुँच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड हिज हाउस और बाय इवनिंग। बताओ आ गया समझ में? ठीक है, वर्षा होने से पहले वह घर आ चुका होगा। ही विल हैव कम टू हाउस बिफोर इट रेन्स। आ गया कि नहीं आ गया? अब वर्षा होने से पूर्व वह अपने घर लौट चुकी होगी। सी विल हैव रिटर्न्ड हिज हाउस, सॉरी हर हाउस बिफोर इट, क्या हो जाएगा? इट रेन्स। बताओ, मेहमान के आने से पहले हम सो चुके होंगे। वी विल हैव स्लेप्ट बिफोर रिलेटिव्स कम। आ गया, चलो। क्या विशेषण? नमक का नमकीन, लालची, बनारसी, घरेलू, ज्ञानी, वार्षिक, सबका लंबाई लंबा। और बताओ, सब काम चेक हो गया? मैथ का आ गया था? लाओ दिखाओ। हाँ लाओ, इन्होंने क्या एक बार मिलवा दी, आ जाओ। सुनना तुम लोग भी बताना, जल्दी आओ, बोलो पहला मिला टेंस, एक बार तुम मिला लो, तुम सबका मिलवा लेना। हाँ वे शर्त लगा रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्या होता है? पहले होंगे, फ्यूचर रहा, कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस।
होगा फ्यूचर रहा कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस चुकी हूँ हूँ है प्रेजेंट चुका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पिताजी आज आ चुके थे था पास्ट हो चुका परफेक्ट पास्ट परफेक्ट होगा फ्यूचर चुका परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सुबह से वर्षा हो रही है तो है प्रेजेंट रहा कंटिन्यूअस और सुबह से है तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्योंकि सुबह लिखा है ना समय भी तो जुड़ा है सही कर लो खेल 2 घंटे से इसमें समय भी है था है पास्ट रहा कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पक्षी शाम से आकाश में उड़ रहे होंगे तो शाम से समय दिया है परफेक्ट रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे पहले होंगे फ्यूचर चुके परफेक्ट और उसमें समय के लिए कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट होंगे है और हो गया सारा चलो आज तो हमको सेंटेंस पढ़ाना है तुमको चलो हाँ ये कहा कर लाई और दिव्या करके लाई है तो उनकी सहेली नैना भी यही करके लाई होंगी पक्का है हाँ उल्ला सिल्ला तुम भी लिख के लाई और क्या जा रहे हो यहाँ सबका दिखा लो काम कौन पाया कौन नहीं पाया अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता अरे वाह बड़े बच्चे बहुत होशियार हैं खोपड़ी चढ़ के हमसे कान लेके फुर्र हो लेते हैं छोटे बच्चे कान दिवा चलो देखो सबकी कॉपी जमा करवा दीदी हमारे छोटे बच्चों को देखो हाँ दीदी ये वाले आपकी पढ़ाइए ये देखो कैसे हमारे खोपड़ी बैठी है ये देखो चक्कर आ ले गई ये अरे पहले रसूलपुर आने दो दीदी राजू राज मेरा नाम करो जो उनके बच्चे का मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूं दीदी मेरे माता का पहले सरोजिनी खोपड़ी चढ़ियो हम कुछ न पढ़ा पहले समझा तो दे दो फिर दे जो कहा के लाई हो सकू सभी ने निवेदन है कि मेरे चाचा की शादी उल्ला में दिनांक 83/12/2023 ये कौन सी डेट है 83 डेट कब से हो गई विद्यालय में उस नहीं रही सकूंगा क्रिया करके कहा कर लाई अपना परिचय में क्या बताना था मेरा नाम दिव्या है मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ मेरे स्कूल का नाम PTRK है मेरे पापा का नाम फलाने है मेरी मम्मी का नाम ढिमकानी है मेरी मम्मी बस मेरे गांव का नाम ये है ये करके लाना था मेरी उम्र 7 साल है ये कर